बात करते हैं रीवा की, जहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और रीवा जिले के सांसद विधायक सभी से मांग की है कि रीवा जिले के 148 सेवा सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध करवाई जाए। केंद्रीय सहकारी बैंक के मौखिक आदेश जिसके तहत किसानों की भूमि कहीं बंधक है, उन्हें खाद सेवा सहकारी समितियों से नहीं मिलेगी, आदेश की कॉपी किसानों को उपलब्ध कराई जाए। वहीं रीवा जिले के 148 सहकारी समितियों से किसानों के शेयर लौटाए जाए, जब खाद नहीं देनी तो शेयर किस बात का। किसान सुब्रत ने कहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किसानों का शोषण ना करें, कृषि यंत्र राष्ट्रीय बैंकों से फाइनेंस होते हैं, किसानों की जितनी उनके खाते में जमीन होती है उसे बंधक बना लिया जाता है। आखिर क्यों बंधक के नियम बदले जाएं, जितने का कर्ज उतनी की कीमत जमीन को बंधक बनाया जाए, वहीं बाकी जमीनें बंधक से मुक्त रखी जाए। किसान सुब्रत ने आगे कहा है कि खरीफ के मौसम में किसानों को खाद के लिए भारी किल्लत हो रही है। करैया स्थित गल्ला मंडी के गोदाम में किसानों को एक एकड़ में 2 बोरी यूरिया, 5 बोरी डीएपी दी जा रही है, जो कि वहां पर मशीन रखी गई है जिसमें फीड किया जाता है। उसमें एक बार में 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी डीएपी फीड होती है। चाहे भले ही किसानों के पास 1 एकड़ 2 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, लेकिन उन्हें एक बार में 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी डीएपी ही मिल पाएगी, क्योंकि जो मशीन कृषि विभाग ने वितरण के लिए दिया है उसका सॉफ्टवेयर बना है कि उसमें 2 बोरी यूरिया और 6 बोरी डीएपी किट कर दी गई है, जहां किसानों के आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका की कॉपी अनिवार्य की गई है। किसान लगातार परेशान हैं। वहीं जिन किसानों की ऋण पुस्तिकाएं किसी बैंक में रखी हुई हैं, वो खाद कहां से पाएंगे। दूसरी ओर जिन किसानों के पास ओवरड्यू नहीं है, भूमि भी बंधक है, उनको भी सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल रही है। जिनकी जमीन कहीं बंधक है, उन सभी किसानों को भी खाद नहीं मिल रही है। आप देख रहे हैं कि खरीफ का सीजन है, हमारे किसान भाई लाइनों में लगे हुए हैं। ये लाइनें कोई हीरा सोना मोती लेने के लिए नहीं लगी है, ये लाइनें सिर्फ खाद की 1 बोरी के लिए लगी हुई है। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सब ये लाइन में लगी हुई हैं खाद के लिए। किसान खाद के लिए परेशान है। 2 साल पहले यहाँ के केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक तुगलकी आदेश जारी किया था, जिन किसानों की जमीनें कहीं मॉर्गेज हैं उन्हें खाद नहीं मिलेगी। तो आप सोचिए, राष्ट्रीयकृत बैंक से किसानों के ट्रैक्टर फाइनेंस होते हैं, किसानों के कर्जे फाइनेंस होते हैं, किसानों की जमीनें 20 एकड़ हो, 10 एकड़, 15 एकड़ सब मॉर्गेज कर लेते हैं एक ट्रैक्टर में। अब किसान जमीन कहाँ से लाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं, आप अगर खाद हमें किसानों को रीवा जिले के प्रत्येक 148 सहकारी समितियों से नहीं दिला सकते, तो हर किसान का शेयर वापस करवा दीजिए। जितने किसानों का शेयर सेवा सहकारी समितियों में जमा है, उनके सब के शेयर वापस करवा दीजिए और किसानों का नाम लेना छोड़ दीजिए। आज यहाँ पंच चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में हमारे सांसद जी, विधायक जी, पंच और सरपंच तक के प्रचार करने के लिए गाँव पहुँच रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि पहले आप खाद के लिए तो अपना जो दायित्व है आप जनप्रतिनिधि निभा दीजिए, उसके बाद वोट मांगने जाइए। किसानों को लगातार किसानों की उपेक्षा न करिए, नहीं आने वाले दिनों में सारे किसान मिलकर सबक सिखाएंगे।